के परवरदिगार देखे के परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का अरे रूहुल अमीन चूमे रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का। आइए इस अहम और नाजुक मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए उस अजीम खतीब और फाजिल की तरफ रुजू करते हैं जिनके अंदर कौम मिल्लत का दर्द और दर्द की कसक है, जिनके ख्याल में गिराई और एहसास में गहराई है। मेरी मुराद इससे आली जनाब हजरत मौलाना इकरामुल हसन साहब नदवी मद्द जिल्लाहुल आली, जो कलैया बारा जिला, जो आपके आप ही का जिला है, कलैया सदर मुकाम से तशरीफ लाए हैं। मैं हजरत वाला का इस्तकबाल ये चार मिसरा पढ़ करके करता हूँ कि नवा पैरा होए बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से। सुभान अल्लाह। इल्मी शेर सुनिए कि नवा पैरा हो, नवा पैरा होए बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। हजरत मौलाना इकरामुल हसन साहब नदवी मद्द जिल्लाहुल आली माइक पर अपने खिताब के साथ। मेरे बुजुर्गो, ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि धड़पा की इस सरजमीन पर मस्जिद आयशा 52 टोल की जानिब से एक अजीमुशान इजलास का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें हम सभी हजरात जमा हैं। और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि आज के इस इजलास में बड़े बड़े उलमा तशरीफ़ लाए हैं। उन सबको सुनकर हम सबको जाना है, जाने की कोशिश ना करें, उन सबको सुनना है। मैं घड़ी में देखकर 15 से 20 मिनट आपके दरमियान रहूँगा, उसके बाद फिर मैं रुखसत हो जाऊँगा। और अगर आप घड़ी में देखकर 15-20 मिनट अगर आप सुन लेंगे तो शायद हमें भी फायदा हो और आप हजरात को भी फायदा हो। शायरे इस्लाम शहनशाह तरन्नुम जनाब कारी फैयाज फैजी साहब दामत बरकातुहुम अलालिया ने और जनाब कारी रईसुल आजम साहब ने खुदा की कसम ऐसा कलाम सुनाया है, इतना अच्छा इतना उम्दा कलाम सुनाया है कि मैं भी अपना मौजू को बदल दिया हूं। हमारा उन्वान कुछ और था, लेकिन कारी फैयाज फैजी साहब के अशआर को सुनकर मैं भी अपने मौजू को बदल चुका हूँ। बस आप हजरात से गुजारिश है कि थोड़ी देर घड़ी में देखकर 15 से 20 मिनट दिल थाम कर बैठें, इंशाअल्लाह हमें भी फ़ायदा होगा, आप हजरात को भी फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة। मेरे बुजुर्गो, दीनी और ईमानी भाइयों और पर्दा नशी मेरी माओ और बहनों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा किए गए, यानी हमारे नबी की पैदाइश से 2 महीना पहले
आपके वालिद अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था। सैयदा आमना जब हमल से थी, यानी हमारे नबी अपनी माँ के पेट में थे, अभी पैदा नहीं हुए थे, पैदाइश से पहले दुनिया में अजीब अजीब बरकात का जहूर हो रहा था। सैयदा आमना जब हमल से थी तो जो चादर ओढ़ लेती थी उस चादर से खुशबू आने लगती थी। सैयदा आमना जो कपड़ा पहन लेती थी उस कपड़े से खुशबू आने लगती थी। जो जूता पहन लेती थी उस जूते से खुशबू आने लगती थी। अब्दुल मुत्तलिब सवाल करते कि बेटी आमना क्या बात है, आज कौन सी खुशबू लगाई है, ये कहां से खुशबू आ रही है। सैयदा आमना कहती कि ऐ अब्बू, मैं कोई खुशबू नहीं लगाई हूं, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं जो भी चादर ओढ़ती हूँ उस चादर से खुशबू आने लगती है, जो भी कपड़ा पहनती हूँ उस कपड़े से खुशबू आने लगती है, जो भी जूती पहनती हूँ उस जूती से खुशबू आने लगती है। और ऐ अब्बू, आपको मैं क्या बताऊँ, मैं जिस रास्ते से गुजरती हूँ पहाड़ों से अजीब अजीब आवाज आती है, दरख्तों से अजीब अजीब आवाज आती है, पत्थरों से अजीब अजीब आवाज आती है, और ऐ अब्बू आज तो इस दरख्त से एक अजीब आवाज आ रही थी, और वो आवाज ये थी कि अबशिरिया आमना फइन्नकी कद हमलतनी बी अहमद, के ऐ आमना तुझे मुबारक हो, ऐ आमना तुझे मुबारक हो, अन करीब तेरे आंचल में, अन करीब तेरी झोली में सारे नबियों का सरदार आने वाला है। सैयदा आमना अपने बच्चे को जन्म देने से पहले कई मरतबा अजीब अजीब ख्वाब भी देख चुकी थी। कभी देखती हैं कि मुझे जन्नत की हूरें आसमान की बुलंदियों पे ले जा रही है, कभी देखती हैं कि मैं आसमान की बुलंदियों पे हूँ और दुनिया के बड़े बड़े महल्लात, बड़े बड़े टीले, बड़े बड़े बागात बिल्कुल मामूली नजर आ रहे हैं। सैयदा आमना ख्वाब में कभी देखती हैं कि मेरे जिस्म से एक रोशनी निकल रही है और उस रोशनी से पूरी दुनिया मुनव्वर हो रही है, कभी देखती हैं कि मेरे जिस्म से एक नूर निकल रहा है और उस नूर की रोशनी से कैसरो किसरा के ऐवानों में अंधेरा छा जाता है, कैसरो किसरा के चिराग गुल हो जाते हैं, कैसरो किसरा के चिराग बुझ जाते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माओ और बहनों, हवा का सर्द झोंका था और सैयदा आमना के पेट से जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश थी। आपके पैदाइश के मुख्तसर हालात ये हैं कि आपकी माँ सैयदा आमना कहती है कि मेरी आंखों के सामने से एक नूर चमका, एक रोशनी हुई और ऐसा लगा कि उस रोशनी ने पूरी दुनिया को मुनव्वर कर दिया हो। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हमारे नबी जब पैदा हुए सुबह का सूरज नहीं निकला हुआ था, नमाजे फजर फजर का वक्त था, रात जा रही थी, दिन की आमद आमद थी, बिल्कुल ऐसे मौके पे हमारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं। औरतें बैठी हुई थी, जल्दी से अब्दुल मुत्तलिब को इत्तला दी जाती है कि आपके बेटे अब्दुल्लाह के घर एक लख्ते जिगर आया है, एक नूरे नजर आया है, आमना ने एक चांद सा बच्चा जन्म दिया है। अब्दुल मुत्तलिब खुशखबरी सुनते हैं, दौड़ते हुए आते हैं। आमना ने हया से घूंघट मार ली, अपने चेहरे पे चादर डाल ली। अब्दुल मुत्तलिब मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और कबीले की, महल्ले की औरतें मुबारकबाद पेश कर रही है।
मेरे बुजुर्गों, हमारे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अलिफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, बा कहने लगा बेसहारों का सहारा आ गया, ता कहने लगा ताजदारे अंबिया आ गया, सा कहने लगा साकिब समा आ गया, जीम कहने लगा जहालत का दूर करने वाला आ गया, हा कहने लगा हबीब खुदा आ गया, खा कहने लगा खैरुल वरा आ गया, दाल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया, जाल कहने लगा जखीरे कायनात आ गया, रा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आ गया, जा कहने लगा जमीनो आसमान का महवरे पैकर आ गया, सीन कहने लगा सरवरे कौनैन आ गया, शीन कहने लगा शाहे दो जहां आ गया, स्वाद कहने लगा सादिकुल अमीन आ गया, जात कहने लगा जामीने जन्नत आ गया, ता कहने लगा ताहा की सीरत वाला आ गया, जा कहने लगा जुल्मतों का मिटाने वाला आ गया, ऐन कहने लगा इबादतों का तरीका बतलाने वाला आ गया, गैन कहने लगा गुलामों को आजादी दिलवाने वाला आ गया, फा कहने लगा फख्रे तमन्नाए कायनात आ गया, काफ कहने लगा कासिमे कौसर आ गया, लाम कहने लगा लुत्फ इनायत का पैकर आ गया, मीम कहने लगा मुजम्मिल मुदस्सिर की चादर वाला आ गया, नून कहने लगा नूरानी जुल्फों वाला आ गया, वाऊ कहने लगा वजह तखलीके कायनात आ गया, हा कहने लगा हिदायत और रुश्द का मंबा आ गया, या कहने लगा यसरब को यानी मदीनतुल मुनव्वरा को क़यामत तक के लिए रहमतों का मरकज बनाने वाला आ गया। सातवें दिन नाम रखा जाता है अब्दुल्लाह। इस नाम पर भी लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आपकी मां सैयदा आमना ने आपको तकरीबन डेढ़ महीने तक दूध पिलाया। उसके बाद मक्के में एक वबा फैली, एक बीमारी फैली, जिसकी वजह से कबीले बनु साद की बहुत सारी औरतें चलकर मक्के में आईं कि हम बच्चे को ले जाएंगे, दूध पिलाएंगे, उसके बदले में हमें उजरत और मजदूरी मिलेगी। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कबीले बनु साद की हर औरत ने बच्चे को लिया। किस्मत से हलीमा सादिया की गोद में हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं और हलीमा सादिया ने हमारे नबी को 4 साल अपने पास रखा और 4 साल तक परवरिश की। हमारे नबी की उम्र जब 8 साल की हुई, 6 साल हमारे नबी जब 6 साल के हुए तो हमारे नबी अपनी माँ आमना के साथ अपने मामू और नाना के घर मदीने में गए। 6 साल की उम्र में, ये बात सुनने वाली है मेरी माँ और बहनों, बड़ी मुख्तसर है, वक्त कम मिला है। हमारे नबी 6 साल की उम्र में अपनी माँ सैयदा आमना के साथ अपने मामू और नाना के घर जाते हैं और तकरीबन 1 महीना वहाँ क़याम फरमाते हैं। आपकी माँ सैयदा आमना जब आपको लेकर अपने घर मक्का लौट रही थी तो रास्ते में एक मकाम पड़ता है जिसका नाम मकामे अबवा है। ये सुनने वाली बात है मेरे बुजुर्गों, जिसका नाम मकामे अबवा है। सैयदा आमना कहने लगी, बेटे चलो मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बू की कब्र दिखाती हूं। तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं आज मैं तुम्हें बताती हूं। 6 साल के बच्चे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, 6 साल के बच्चों पे हम लोग नजर उठाकर देख ले, 6 साल के बच्चे तो इतना जान ही जाते हैं कि जिंदगी क्या होती है, मौत क्या होती है, मरने के बाद कोई दोबारा जिंदा नहीं होता। मकामे अबवा पर उनकी माँ उनको लेकर जाती हैं और अपने शौहर अब्दुल्ला के कब्र की तरफ इशारा करती हैं।
मेरे बुजुर्गो मेरे भाइयों, पढ़िए रहमतुल लिल आलमीन काजी सुलेमान साहब मंसूरपुरी रहमतुल्लाहि अलैहि की, और पढ़िए अर रहीक मखदूम जनाब सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाहि अलैहि की। मकाम अबवा पर उनकी माँ उनको लेकर जाती हैं, अपने शौहर अब्दुल्ला के कब्र की तरफ इशारा करती हैं। हमारे नबी 6 साल की उम्र में अपने अब्बू के कब्र को देखते हैं, बेतहाशा आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो आप इतना समझ रहे हैं कि जिस कब्र के अंदर मेरे अब्बू लेटे हुए हैं अब वो दोबारा उठने वाले नहीं हैं। मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों, मेरी माओ और बहनों, हमारे यहाँ जब कोई बच्चा यतीम हो जाता है, जिसका बाप इंतकाल कर जाता है, तो माँ अपने बच्चे को कई तरीके से तसल्ली देती है कि बेटा अभी सो रहे हैं, अभी नहीं आएंगे, थोड़े और बड़े हो जाओगे तब तुम्हारे अब्बू आएंगे। माँ अपने बच्चे को कई तरीके से तसल्ली और ढारस दे देकर पोसती और पालती रहती है। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मकाम अबुआ पे सैयदा आमना का खुद अपना यह हाल है कि वह अपने शौहर अब्दुल्ला के कब्र को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती। सैयदा आमना भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, सैयदा आमना भी बेकाबू हो जाती है। सैयदा आमना को अपने शौहर अब्दुल्ला की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों, कब्र देखते देखते चक्कर आता है, सर घूमने लगता है, और जैसे सर घूमता है सैयदा आमना जमीन पे गिर जाती है, और जैसे ही जमीन पे गिरती है सैयदा आमना का रूह भी कब्ज़े उनसुरी से परवाज कर जाता है, सैयदा आमना का भी इंतकाल हो जाता है। मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों, जरा हम अपने दिल पे हाथ रख कर गौर करें कि उस वक्त हमारे नबी पर क्या गुजरा होगा जो अभी अपने अब्बू के कब्र को देखकर रो रहे हैं, और वहीं पे आपकी माँ सैयदा आमना भी आपको छोड़कर चली गई, उनका भी इंतकाल हो चुका। हमारे नबी के दिल पे क्या गुजर रहा होगा जो अब आप इतना समझ रहे हैं कि अब मेरी माँ भी उस दुनिया में नहीं रही, उनका भी इंतकाल हो चुका, ये भी दुनिया छोड़कर चली गई। मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों, सीरत बड़ी अहम है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे नबी का तरीका, हमारे नबी की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। चाहे कोई भी हो, दौरे बचपन हो, दौरे जवानी हो, मक्की जिंदगी हो, मदनी जिंदगी हो, पूरी की पूरी जिंदगी हमारे नबी की हमारे लिए आइडियल है, नमूना है। और अगर कहा जाए कि हमारे नबी का तरीका वो रास्ता दिखलाता है जो सच्चा है, सीधा है, जिसमें कोई कजी नहीं है, मोड़ नहीं है, मेरे बुजुर्गों उसमें कोई रुकावट नहीं है, और इससे आगे बढ़कर कहा जाए कि हमारे नबी का तरीका वो रास्ता दिखलाता है जिसमें बाप की हैसियत को उजागर करके ये बताया जाता है कि बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के मकाम को बतलाकर ये समझाया जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जिसमें यह हैसियत उजागर की जाती है कि बेटियों की परवरिश पर जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि औलादों की कदर व मंजिलत को आम करो, औलाद एक अल्लाह की नेमत है और नेमत की कदर की जाती है तब नेमत में इजाफा होता है, जिसमें यह बतलाया जाता है मेरे बुजुर्गों के पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, अच्छा मुआमला करो, जिसमें यह बतलाया जाता है कि वो अल्लाह के बंदो उखुव्वत इस्लामी के दर्स को आम करो, मुसलमानों की हैसियत को समझो, इंसानों के दर्द के दरमा बनकर जीने की कोशिश करो, यह हमारे नबी का तरीका बतलाता है। बस शर्त यह है कि हम अपने नबी के तरीके को अपनाएं, नबी की जिंदगी से हम वाकिफ हों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हम पढ़े, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके को हम अपनाएं। मेरे बुजुर्गों, बस आखिरी पैगाम और आखिरी बात हम सुन ले, क्योंकि नबी की
तारीफ हुई है, नबी का तज़किरा चला है, नबी का पैगाम है इस उम्मत के नाम। और सुन ले कि इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने का हिजरत करते हैं, साथ में गारे यार सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद है। उस वक्त मदीने में दो बहुत ही बड़े मजहबी कबीले यहूदो नसारा आबाद थे। जब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचते हैं तो अंसारे मदीना ने आपका इस्तकबाल किया। पूरे मदीने में यह खबर फैल गई कि मक्का से इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, उस वक्त यहूद के बहुत बड़े आलिम थे अब्दुल्लाह बिन सलाम। अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं कि मैं उस वक्त खजूरों के बाग में काम कर रहा था, इतने में किसी ने आकर मुझे खबर दी कि मक्का से कोई पैगंबर आए हुए हैं, सारे अंसार उनके इर्द गिर्द जमा हैं, बड़ा हुजूम है, बड़ी भीड़ लगी हुई है। मेरे बुजुर्गों, अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं कि मैंने सोचा कि यही तो मौका है जाके देखने का कि मैंने अपनी किताब तौरात में जिस नबी का तज़किरा पढ़ा है ये वही नबी हैं या कोई और हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं कि मैं खजूरों के बाग से निकलकर करीब गया तो मैंने देखा कि महफिल लगी हुई है और इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं। मेरे बुजुर्गों, अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं कि मैं और करीब गया और इमामुल अंबिया के चेहरे अनवर पे नजर डाली तो दिल से आवाज आने लगी कि हाजल वजहु लैस बिवजही कज़्ज़ाब, कि खुदा की कसम ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। मेरे बुजुर्गों, अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं कि मैं इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने मुबारक से जो सबसे पहली बात सुनी थी वो बात ये थी। इमामुल अंबिया अपनी तकरीर में इरशाद फरमा रहे थे, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माओ और बहनों, इमामुल अंबिया की तकरीर को हम लेकर जाएं। इमामुल अंबिया अपनी तकरीर में कह रहे थे, या अय्युहन नास, कहे मेरी उम्मत के लोगों, अफशुस सलाम, सलाम को आम करो, व अतइमुत ताम, और गरीबों और मिस्कीनों को खाना खिलाओ, वसिलुल अरहाम, और रिश्ते नाते को जोड़ कर रखो, व सल्लु बिललैली व नासु नियाम, और रात को उठकर नमाज पढ़ो जब सारी दुनिया सो रही हो। मेरे बुजुर्गों, हमारे नबी ने फरमाया कि जब सलाम को आम करोगे, गरीबों मिस्कीनों को खाना खिलाओगे, रिश्ते नाते को जोड़कर रखोगे, मजबूत बनाओगे, और रात को उठकर नमाज पढ़ोगे जब सारे लोग सो रहे हो, जब ये चार काम कर लोगे, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे।